खान, शाहरुख खान और आमिर खान बॉलीवुड के तीन ऐसे बड़े खान हैं जो लंबे समय से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। तीनों ने कई हिट फिल्में अपने नाम दर्ज की हैं। बॉलीवुड का हर एक्टर इन खान जैसा स्टारडम पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के ये तीन बड़े खान बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू बिखेरने में नाकामयाब साबित हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या लगातार फ्लॉप फिल्में देने से इन तीनों खान का स्टारडम खतरे में है। इस बात पर बात करते हुए सलमान खान ने हाल ही में अपने एक नए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपने स्टारडम खोने का कितना डर है। सलमान ने ये भी बताया कि बॉलीवुड के ये तीन बड़े खान आने वाले समय में अपने स्टारडम को किस तरह बरकरार रखेंगे। सलमान ने कहा, एक ना एक दिन स्टारडम की चमक फीकी पड़ जाती है। इनको लंबे समय तक कायम रखना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है। मेरा मानना है कि शाहरुख, आमिर और अक्षय और अजय ही एक ऐसे एक्टर्स हैं जो स्टारडम को लंबे समय तक कायम रख पाए हैं। इसको आने वाले समय में बरकरार रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सलमान खान की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आखिरी बार सलमान खान को अली अब्बास जफर की डायरेक्शन में बनी फिल्म भारत में देखा गया था। सलमान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। इन दिनों सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में नजर आएंगी। सलमान की ये फिल्म 20 सितंबर 2019 को रिलीज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए असल एंटरटेनमेंट।